हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और हम भी एकदम से बढ़िया है। यह है मॉर्निंग का व्यू, आप देख सकते हो। आजकल ऐसे ही मौसम बना हुआ है, कभी धूप कभी बारिश। ये देखिए, और सामने देखिए कोहरा लगा हुआ है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पांडे सिस्टर ब्लॉग में। आशा उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तुरंत तो किसी का बहुत प्रिय होता है, इसे सावन के महीने शिवलिंग में चढ़ाया जाता है। इसमें फूल भी लगते हैं और कांटेदार बीज होते हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं आए। और ये देखिए, आजकल प्रकृति ने कितना अच्छा रूप धारण किया है। सभी जगह हरियाली छाई हुई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जंगल भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोहरा लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, गजब का नज़ारा बना हुआ है यहाँ पे। देखिए, हल्की हल्की धूप पड़ रही है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है बादल। और कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ। ये देखिए पहाड़ों में, सामने कर रहे हैं हमारे श्रीमान जी काम, क्योंकि आगे जो है सेकेंड सैटरडे, तो घास निकाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मक्के की पौधी बढ़ गई है। और ये है भिंडिया, आजकल घास बहुत ज्यादा हो गई है बीच बीच में। ये देखिए फुल हो गया ये। और सामने है अलकनंदा नदी, तो आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। और हम लोगों का सौभाग्य है जो कि हम लोग तो डेली दर्शन कर लेते हैं अलकनंदा नदी के। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ नहीं दिख पाती है, तो आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कर सकते हो। क्योंकि लोग जल, गंगा जल लेने के लिए बहुत दूर दराज से आते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। और आजकल यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ उगी है, तो अलकनंदा नदी दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रही है। देखिए काफ़ी पेड़ पौधे लग गए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी मस्त व्यू दिखता है ये। देख लीजिए कि आप इसके चारों तरफ का नज़ारा। और यहाँ देखिए एक मैंगो है, कितना येलो हुआ है, इसे तोड़ लेते हैं। पेड़ पता नहीं क्यों खराब हो गया, शायद कीड़ी लग रही है इसमें, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल सूखने लग गई है। देखिए सीजन की सब्जी लगना शुरू हो गई है, तो पहाड़ों में लोग मार्केटों से कम ही सब्जी खरीदते हैं आजकल, क्योंकि सबके किचन गार्डन में सब्जी लगना शुरू हो जाती है। तो यह है सीजन की सब्जी तोरई, और इसमें कद्दू की बेल भी लिपटी हुई है, ये देखिए आप। सामने कद्दू का फूल खिला हुआ और तोरई का भी। और इसमें एक येल्लो आम लगा हुआ है, तो ये देखिए इसे तोड़ लेते हैं। और आज है की छुट्टी, तो हमारे श्रीमान जी लगे हैं किचन गार्डन में। थोड़ा थोड़ा हमारे श्रीमान जी डेली निकालते हैं नहाने से पहले, ये देखिए। लेकिन आजकल बरसात है, तो फिर से उग जाती है घास। ये देखिए काफ़ी खरपतवार निकला हुआ है यहाँ पे, ढेर लग गया है। और ये देखिए भिंडी के बीच में हमने खरपतवार निकाला था, लेकिन फिर से यहाँ पे उगने शुरू हो गया है। और ये है अरबी,
यहाँ देखिए यहाँ पे भी फिर से घास उगने लगी है। और नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। नाश्ते में बने हैं आलू के पराठे और साथ में है दही और चटनी। तो एंजॉय करते हैं हम नाश्ते को। सो ये देखिए गाइस कितनी तेज बारिश लग गई है। का खाना वगैरह हो गया है एंड अब मैं बना रही हूँ वीडियो डांस के लिए। तो आज मैं अंदर ही बना रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है। सो यहाँ पे मैं पहनती हुई है इयर रिंग्स, देखिए कितनी अच्छी है। बाकी मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने येलो कलर का कुर्ती डाली हुई है एंड ब्लैक कलर की जीन्स एंड मैंने मेकअप कर दिया है हल्का। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने झुमके भी पहन लिए हैं एंड फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ एक मिनट। सो ये देखिए ये मेरा फाइनल लुक। एंड कैसी लग रही हूँ मैं ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हमारा सीजन की पहली सब्जी लग गई यानी कद्दू लगा हुआ है, तो ये लेने जा रहे हैं। चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये देखिए ये है कद्दू, ये लग गया है। और यहाँ पे देखिए अरबी वगैरह हुई है। अभी इसके हमने वो नहीं बनाई पकौड़ियाँ, यानी इसको गढ़वाल में कहा जाता है पैत्यो, यानी हमारे उत्तराखंड में आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, जो अरबी से पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये दो किस्म के हैं, एक इस तरह से होती है ये और एक ये, यानी ये गले में लगती है और ये गले में नहीं लगती है। एक खुजली सी होती है तो इसको अमचूर जरूर डालने चाहिए जब बेसन का घोल बनाते हैं। और देखिए मौसम इस तरह से बना हुआ है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बारिश लगी हुई थी सुबह से और मौसम इस तरह से बना हुआ, काफ़ी मस्त मौसम है। और ये देखिए जुगाड़ के लिए हमने, और ये देखिए इस तरह से एक डंडी में हमने दरांती बांधी होती है, तो जो ऊंची जगहों में सब्जी लगी रहती है जैसे तोरई, तो इसको इससे निकालते हैं। और यहाँ पे निकाल रही है तोरई, तो इस तरह से डंडे में मैंने जैसे बताया आपको दरांती बांधते हैं जिससे घास काटा जाता है, उसको लपेटा जाता है रस्सी से टाइट करके। तो इस तरह से तोरई जैसे ऊंची जगह पे लगी होती है तो आसानी से निकल जाती है। और व्यू देखिए यहाँ का, अभी लौकी वगैरह कुछ नहीं लगी, लौकी की बेल अभी छोटी है वहाँ पे लगी है, इसमें गई भी। और ये देखिए सारे माल्टे वगैरह जिसके फल है सारे बारिश से लटक गए हैं ये, और तोरई की तो बहुत बड़ी झाल बनी हुई है लेकिन अभी इसमें तोरई नहीं लगी है, जो लाइनिंग वाली होती है लाइनिंग रहती है उस तोरई में। और आजकल देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा हरियाली छा गई है, ये देखिए फुल भर गया है क्योंकि रिमझिम बारिश आते जा रही है और कभी धूप लग रही है, इसी तरह का मौसम है यहाँ पर। और ये शीशम के पेड़ में गई हुई है हमारी तोरई की बेल। देखिए ये तोड़ दी है तोरई, काफी लंबी तोरई है ये। और ये देखिए ये रही दूसरी वाली,
ये यहाँ से कट गई है, ये उतरे हैं यहाँ से सीढ़ियों से नीचे, तो यहाँ पर इस शीशम के पेड़ में लटकी हुई है ये। और आज देखिए अलकनंदा पानी बढ़ गया था, तो आसार यहाँ पर 2013 की तरह आ गए थे, बिल्कुल पानी फुल हो गई थी नदी, पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, कई लोग मिसिंग भी हुए वहाँ पे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं केदारनाथ से वो जल्दी से मिल जाए। और यहाँ पे देखिए इसके दो टुकड़े हो गए, निकालते वक्त कट जा रहा है ये, क्योंकि काफ़ी टॉप पे लगे हैं ये। और मस्त मस्त हवा चल रही है और रिमझिम बारिश फिर से शुरू हो गई है यहाँ पे। थोड़ा रुक रही बारिश, फिर आ रही, फिर रुक रही, फिर आ रही है, इसी तरह का चल रहा है आजकल। थोड़ा गर्मी से हम लोगों को राहत मिल गई है। और एक यहाँ पे लगी हुई है तुरई, तो उसको भी तोड़ लेते हैं। देखिए मीरा घास चर रही है यहाँ पे, और ये सब्जियाँ लेके आ गए हम वहाँ से, तो इनको धुल लेते हैं। देखिए कद्दू भी, गाइज जैसे मैंने आपको बताया मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने वीडियो बना दी है। एंड अभी आपने देखा मम्मी लोग बगीचे में गए थे एंड वहाँ से कुछ सब्जियाँ लाए। तो देखिए मौसम फिर से ख़राब हो गया है, बारिश होने लग गई है। सो गाइज यही था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।